सुल्तानपुर में आज अमर शहीद खुदीराम बोस की स्मृति और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर निराश्रितों की सहायता के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, प्रख्यात समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर सहित तमाम लोग शामिल हुए। इस दौरान गरीबों को कंबल, महिलाओं को सिलाई मशीन और गरीब बच्चियों में साइकिल वितरित की गई। दरअसल आजाद समाज सेवा समिति के संरक्षक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। हर बार उन्हीं के संचालन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार संजय सिंह के जेल में होने के चलते ये कार्यक्रम विलंब से किया गया। इस दौरान नगर के तिकोनिया पार्क पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 894 निराश्रितों को कंबल, 50 बेरोजगार महिलाओं को सिलाई मशीन और 50 गरीब बच्चियों को साइकिल वितरित किया गया, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके और आत्मनिर्भर बनकर जीवन यापन कर सके। वहीं मंच से संबोधित करते हुए गोपाल राय ने समाज सेवा समिति के कार्यों की सराहना की, साथ ही सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि आज पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जिन सपनों को लेकर उस समय के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसके बाद भी संस्था द्वारा साइकिल कंबल क्यों वितरित करना पड़ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि 75 साल बाद भी पार्टियां आती और जाती रहीं, लेकिन हिंदुस्तान के गरीबों की तकदीर और तस्वीर में परिवर्तन नहीं आया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए प्रख्यात समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर ने संस्था के आयोजन पर बधाई दी। साथ ही कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी के वक्तव्य राम लला आ गए हैं, अब राम राज्य आ गया है पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां दैविक और भौतिक विपत्तियां हैं, वहां राम राज्य कैसे हो सकता है। राम राज्य को बनाने के लिए लोहिया और गांधी का समाजवाद ही एक रास्ता है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह के जेल में बंद होने के सवाल पर रघु ठाकुर ने कहा कि आंदोलनकारियों के लिए जेल से अच्छा क्या है, जेल आंदोलनकारियों के लिए तीर्थ है, आज जेल में है तभी उनकी चर्चा हो रही है। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। जो उनके साथ खड़ा हो जाता है उसकी सारे जो वाहवा सारे गुनाह है वो 2 मिनट में माफ हो जाता है। बिहार में जो फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है राजदा, उस पर क्या कहना है आप? नहीं, देखिए वहाँ की परिस्थिति के अनुसार अब वो विपक्ष की पार्टी है, अपनी आवाज़ उठा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आपकी क्या तैयारी है? नहीं, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर जनता की आवाज़ को जिस तरह से दबाया जा रहा, लोगों में एक बेचैनी है और मुझे लगता है कि वोट का वो हथियार है जिससे लोग संविधान ने जो ताकत दी है वो अपना मत व्यक्त करेंगे। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल हो? इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी ऑलरेडी है और मिलकर के हम काम करें। पूरे देश में कि दिल्ली में ही? नहीं, पूरे देश में, हम इंडिया गठबंधन के साथ हम पूरे देश में। राम राज को लेकर एक अभी आपने वक्तव्य दिया, क्या मंशा थी, क्या था उसका? देखिए, भारत सरकार ने कहा है कि राम लला आ गए हैं, राम राज्य आएगा, तो राम राज्य क्या होगा, पूरा हो जाए, उसका स्वरूप क्या होगा, ये आज लोगों में चर्चा का विषय है। तो राम राज की चर्चा जो है वो मिलती है रामायण में, वहाँ पर जब राम और भरत का संवाद होता है और तुलसी जाकर को अपने शब्दों वर्णित किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामराज का मतलब है कि देह के दैवे के भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे कोई अशिक्षित ना हो, जहाँ पे कोई भिखारी ना हो, जहाँ बराबरी हो, वो राम राज्य। क्योंकि राम का मतलब है सिया राम में सब जग जाने, जब सब जग बराबर है तो अदाणी खरबपति और रिक्शे वाला भिखबरी ये क्यों होना चाहिए? तो वो राम राज्य की आदर्श कल्पना है कि इसमें कोई शारीरिक व्याधि ना हो, कोई भौतिक व्याधि ना हो, कोई दैविक व्याधि ना हो। पर आज ये सारी व्याधियाँ चरम पर हैं, भुखमरी चरम पर है, कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, कहीं कोई प्रकार की विपत्तियाँ हैं, कहीं प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, लाखों लोग टीबी से मर रहे हैं। तो जहाँ दैविक विपत्तियाँ हैं, भौतिक विपत्तियाँ हैं, वहाँ पर रामराज्य की सोचता है। तो ये रामराज्य नहीं है, रामराज को बनाने के लिए समाजवाद ही एक रास्ता है, डॉक्टर लोहिया का, गांधी का सपना एक रास्ता है। उस पर लगातार आप यहाँ कार्यक्रम में आते रहते, आज संजय सिंह अनुपस्थित थे, क्या कैसा फील हुआ? संजय सिंह के अनुपति से थोड़ा सा लगा कि संजय सिंह नहीं है, पर नहीं है तो जेल में अच्छा है, तो उनको बधाई। अच्छा है, बल्कि संजय सिंह बाहर होता तो इतनी चर्चा नहीं होती। आज संजय सिंह जेल में चर्चा हो रही है तो हम तो कहते बने रहो, खूब बने रहो, कुछ चिंता। हाँ, जितने बने रहोगे जब उतनी चर्चा होगी।
आंदोलनकारी के लिए जेल से बड़ी स्थान क्या है? जेल तो तीर्थ है ना। देखिए जेल में कैसे पैदा हुए, जेल में गांधी रहे, जेल में लोहिया रहे, जेल में जयप्रकाश रहे, जेल में रघु ठाकुर रहे, जेल में संजय सिंह है।